हेलो, दीपा चौहान आर्ट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था एकदम बेसिक चीज़, बेसिक लाइन ड्रॉ करना और फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, बेसिक हमने स्ट्रोक्स वो सब देखे थे फर्स्ट वाले वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं उसके आगे की चीज़ बताने जा रही हूँ, जैसे शेप्स ड्रॉ करना, शेप में लाइटिंग्स, शेड, लाइट एंड शेड डालना और शेप से कुछ इजी से पिक्चर्स ड्रॉ करना। शेप्स जो हमने लास्ट वीडियोस में देखे थे, कुछ रफ शेप्स और वो सब ड्रॉ करना। देखिए, शेप से हम कुछ पिक्चर्स बनाते हैं। ठीक है, ये शेप के थ्रू बनाई हुई एक हट है जो बहुत इजी है बनाना। ट्राइंगल, रेक्टेंगल्स के कॉम्बिनेशन से हट ड्रॉ करना। अब हम देखते हैं कुछ 3D इमेज। 3D इमेज जैसे स्टेप्स, जब हम स्टेप्स पे चढ़ते हैं, स्टेप्स चढ़ने उतरने के लिए वो इस टाइप से शेप्स। अब शेप्स में जो है लाइट और शेड्स, लाइट और शेड्स का कॉन्सेप्ट आता है शेप्स में, जब हम उसको शेडिंग करते हैं तब। अगर हम स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, उसका शेड मैं आपको बताती हूँ स्क्वायर का। अब मान लीजिए यहाँ से अगर लाइट आती है, ये एक स्क्वायर है, ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर इसके ऊपर यहाँ से इस साइड से लाइट आती है तो इसका शेडो किधर बनेगा? इसका शेडो इधर बनेगा। शेडिंग्स के लिए आइडियली शेडिंग पेंसिल्स यूज़ होती है, जो 6B, 4B, 2B जो स्टार्ट होती है 2B से, HB से, उसके बाद फिर 2B, 4B, 6B, 8B और 10B तक पेंसिल जाती है। जितना उसका नंबर बढ़ता जाता है, पेंसिल का जो ग्रेफाइट है वो उतना सॉफ्ट होता जाता है, वो उतनी जल्दी ही टूट जाता है, बहुत उसको केयरफुली यूज़ करना पड़ता है। तो ये पेंसिल्स का नंबर होते हैं 2B, 4B, 6B, 8B और 10B, और जितना नंबर बढ़ता है वो उतना डार्क शेड के लिए यूज़ होती है और वो उतनी ही सॉफ्ट होती है। जब हमको ज़्यादा जिस एरिया में ज़्यादा डार्क करना है तो हमको उतने ज़्यादा नंबर की पेंसिल यूज़ करना पड़ती है, उतने ज़्यादा नंबर पेंसिल आपको लेके और डार्क एरिया को शेडेड करना पड़ता है। ये देखिए, ये 3D इमेज होती है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम 3D इमेज बोलते हैं और ये लाइट एंड शेड का कॉन्सेप्ट होता है। यहीं पर अगर हम कोई
कोण लेंगे तो कोण कुछ इस टाइप से बनेगा। सेम थिंग, अगर यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो कोण का शेडो इधर जाएगा। ये मैं नॉर्मल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ अभी, जो सिर्फ ड्रॉ करने के लिए होती है, जो शेडिंग के लिए नहीं होती है, पर हम इससे भी शेडिंग कर सकते हैं। पर जो पेंसिल शेडिंग्स के लिए होती है उनसे लाइंस के स्ट्रोक्स नहीं दिखते हैं। ये होता है लाइट एंड शेड। तो हम एक सर्कल बनाते हैं, सर्कल में अगर यहाँ से लाइट आएगी तो इस शेड्स कैसे बनेंगे। जहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट होती है वहाँ पर हमको शेड डालना ही नहीं है, वहाँ पे छोड़ देना है, वो एरिया छोड़ देना है, वहाँ पे हमें पेंसिल टच करना ही नहीं है। जहाँ लाइट करना है, जहाँ शेडिंग लाइट होनी चाहिए, वहाँ पे लाइट शेडिंग हम लोग पेंसिल जितना ऊपर से पकड़ेंगे उतना शेडिंग लाइट होगा, कुछ इस तरीके से। एक ही पेंसिल से हम लाइट और डार्क कर सकते हैं, वो हमारे पेंसिल को के पकड़ने की पोजीशन पर डिपेंड करता है। अगर हम पेंसिल पास से पकड़ेंगे तो शेड्स इतना अच्छा नहीं आएगा, उसमें स्ट्रोक्स दिखेंगे, लाइंस दिखेंगी, और जितना दूर से पकड़ेंगे उतना लाइट शेड्स होगा। तो पेंसिल को बहुत ना बहुत ज़्यादा दूर से पकड़ें ना बहुत ज़्यादा पास से पकड़ें, एक मीडियम रेंज होती है जहाँ से पेंसिल को पकड़ के शेडिंग किया जाता है। तो आज मैंने अपने वीडियो में बताए हैं कुछ शेप्स, शेप के थ्रू कुछ इजी ड्राइंग्स और 3D शेप, और उसके साथ में लाइट एंड शेड का कॉन्सेप्ट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो का फ़ायदा उठाएं। तो फिर मिलेंगे कल हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। Bye-bye.